हमने शरारा बनाने के लिए यूज़ किया है नेट एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक 1.5 मीटर्स, प्लेन नेट 3.5 मीटर्स एंड रिवन फैब्रिक लाइनिंग के लिए 2 मीटर्स। अब हम नेट एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक को फोल्ड करेंगे एंड 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर लेंगे। जो हमने लिया था ना 3.5 मीटर, उसमें से हाफ मीटर कट करके अलग कर लेंगे और विथ में 14 इंचेस और लेंथ में 3 मीटर करके 2 पार्ट्स में कट कर लेंगे। ये जो नेट एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक जो हमने 4 पार्ट में कट करा था, इनकी भी लेंथ है 3 मीटर्स और इनकी विड्थ जो है 10 इंचेस। अब इन दोनों को आपस में मिला के सिल लेंगे 1.5 मीटर एंड 1.5 मीटर का जो लेंथ का नेट एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक जो 4 पार्ट में कट करा था वही है, और इनको भी आपस में सिल लेंगे। ये देखिए जी, हमने स्टिच कर लिया, अब इनको प्लेन नेट के साथ स्टिच कर लेंगे। इसको मिलाते हुए इस तरह से स्टिच कर लेंगे। सेम उस वाले पार्ट्स को भी स्टिच कर लेंगे। ये देखिए जी, हमने स्टिच कर लिया और इनकी जो लेंथ है 3 मीटर्स की है, ठीक है, और इसमें भी हमने स्टिच कर लिया। अब हम ऊपर की पार्ट्स कट करेंगे। ये हमने 4 फोल्ड कर रखा है एंड 2 इंच मार्क करेंगे बेल्ट के लिए ऊपर से। हमारी हिप राउंड जितनी है उसको 4 से डिवाइड करेंगे एंड 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे, और जितनी यहाँ पे मार्क करेंगे इतना इधर भी मार्क करेंगे एंड 2 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है जी। और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बेल्ट माइनस करके लेंथ है इसकी 17 इंचेस। सीधी लाइन ड्रॉ करके और यहाँ पे कर्व कर लेंगे। एट इंचेस प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा। सेम इसका नेट पे कॉपी कर लेंगे एंड कट कर लेंगे। सिलाई कर लेंगे। अब दोनों पार्ट्स को आपस में मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे।
इधर भी 7 इंचेस। ये देखे हमने स्टिच कर लिया है एंड ये रबर भी स्टिच कर लेंगे। अब हम नीचे पार्ट्स के लिए लाइनिंग कट करेंगे। ये हमने पहले से 2 फोल्ड कर रखा था और एक दफा और फोल्ड किया तो 4 फोल्ड हो गया। और ऊपर के पार्ट्स जो पेंट कट किया था हमने उसको उसी के हिसाब से उसको 4 फोल्ड कर लेंगे और मार्क कर लेंगे। और जितनी आपको लेंथ लेनी है लाइनिंग के लिए उतना ले। हमने 16 इंच लिया है। इसको ऊपर से घुमाते हुए मार्क करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी मार्क करने में। सेम दूसरे पैर का भी कट कर लूंगी लाइनिंग। अब नीचे से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए स्टिच कर लूंगी। ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है। हमने जो 3 मीटर का स्टिच करके रखा था उसमें टॉप में देखो इस तरह से पूरे में फ्रिल बना लेंगे। और वो हमने जो लाइनिंग के लिए कट किया था उसको इसके ऊपर रखते हुए स्टिच कर लेंगे। लगभग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये देखें इस तरह से यहाँ पे स्टिच करेंगे फाइनल स्टिच। इसके टॉप पार्ट का वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। इसके बाद ही करूँगी इस वीडियो के नेक्स्ट वही वीडियो होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।